राष्ट्रीय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषदः केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानम् प्रस्तौति पाठ्यचर्याधारिता श्रृंखला ध्वनिशाला। अस्तु तर्हि चलामः सप्तम कक्षायाः ध्वनिशालायाम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की कक्षा में। आज हम सप्तम कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति इस कथा को पढ़ेंगे और समझेंगे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सराह तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। चलिए इसके अर्थ से देखते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। सरह शब्द का अर्थ है तालाब। कह रहे हैं कि मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह अस्ति। फुल्लोत्पल ये नाम है उस तालाब का। उसे फुल्लोत्पल शब्द का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर उत्पल यानि कमल, जहाँ फुल्लित हैं यानि खिलते हैं, ऐसा वो तालाब, तो उसका वो नाम दे दिया गया है कि ये फुल्लोत्पल सर है। सर यानि तालाब। ये कहाँ पर है फुल्लोत्पल नाम सरह? मगध देशे, मगध नाम के देश में, जो आज के समय में हम बिहार मान सकते हैं। इस वाक्य में और एक विशेष बात है। यह वाक्य अस्ति इस क्रियापद से शुरू होता है। वैसे तो बच्चों आपको इससे पहले मालूम हुआ होगा अस्ति शब्द का अर्थ क्या है, यानी है। वर्तमान काल में ये क्रियापद होता है, किंतु अगर वही अस्ति पद वाक्य के प्रारंभ में रहे या कोई पाठ के प्रारंभ में आता है तो वहाँ पर वो वर्तमान काल नहीं रहता है, उसका अर्थ हो जाता है भूतकाल। यानी इसका अर्थ होना चाहिए आसीत। किंतु अगर आसीत ये भूतकाल का रूप अगर प्रयोग करना है तो हम वाक्य के अंत में प्रयोग करते हैं, और अस्ति से शुरू करना ये एक प्रकार का स्टाइल है, एक प्रकार का वाक्य शैली है। और शुरू में जब अस्ति आता है तो उसका अर्थ होता है आसीत यानी था। तो मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब होता था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तो वहां पर दो हंस रहा करते थे और उनका नाम क्या था? संकट विकट। ये सिर्फ नाम है। तो दो हंसों के नाम है संकट विकट। तो उनके द्विवचन रूप है ये संकट विकटौ हंसौ निवसतः। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम्। तो उनका एक मित्र भी था जिसका नाम है कंबुग्रीव। तो ये कंबुग्रीव तो वैसे उस कछुए का नाम है, किंतु कंबुग्रीव शब्द का अर्थ भी हम समझ सकते हैं। ग्रीव शब्द है ना, वो ग्रीवा शब्द होता है। ग्रीवा यानी गला, जिसका गला कंबू के समान है। कंबू क्या है? जो गड़ू होता है, जो एक प्रकार से लोटा होता है जिसमें हम पानी निकालते हैं एक पतले पाइप से, तो जैसा वो गड़ू का गला होता है ऐसे पतला से होकर बाहर निकलता है, तो उसको हम कंबुग्रीव कह सकते हैं। तो ये तो उसका नाम है, क्योंकि कछुआ की आकृति भी तो उसी के तरह होता है ना। उसका गर्दन बहुत पतला होता है जिस प्रकार से गड़ू या लोटे का होता है। तो उस नाम का एक कूर्मः एक कछुआ उसी तालाब में उनके साथ रहता था। कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म।
तत्रैव तत्र एव, यानी वहीं पर ही प्रतिवसति स्म, रहता रहा करता था। यहाँ पर और एक ध्यान देने वाली बात है, स्म ये एक प्रकार का अव्यय है और ये अव्यय जहाँ लगता है वो अक्सर एक वर्तमान काल के क्रियापद के साथ लगता है। तो वर्तमान पद के, वर्तमान काल के क्रियापद के साथ जब हम स्म लगाते हैं तो उसका अर्थ भी भूतकाल हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ दो तीन वाक्य में दो बार भूतकाल का प्रयोग किया गया है लेकिन क्रियापद वर्तमान काल का है। एक है अस्ति और यहाँ पर एक है प्रतिवसति। तो अस्ति का अर्थ भूतकाल कैसे हुआ? क्योंकि अस्ति का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में कर दिया गया। वैसे ही प्रतिवसति का अर्थ भूतकाल कैसे हुआ, मतलब रहा करता था कैसे हुआ? क्योंकि उसके साथ स्म इस अव्यय को जोड़ दिया गया। तो संस्कृत के छात्रों, ये एक सरल तरीका होता है आप वर्तमान काल के साथ स्म ये अव्यय को लगा के आप भूतकाल का अर्थ कर सकते हैं, नहीं तो आपको भूतकाल का रूप अलग से याद भी रखना होता है। तो यहाँ तक कहानी क्या हुई, मगध देश में एक तालाब था जहाँ पर फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। वहाँ दो हंस रहा करते थे जिनका नाम है संकट और विकट, और वहाँ एक कछुआ भी होता था जो उनका मित्र हुआ करता था, उसका नाम था कंबुग्रीव। वैसे बच्चों, आप सब कछुआ के बारे में कई कहानी इससे पहले सुने होंगे, खास करके जो बड़ा प्रसिद्ध कहानी है कछुआ और खरगोश के दौड़ की कहानी। वहाँ पर कछुआ को एक बुद्धिमान प्राणी के हिसाब से, जिसके पास बड़ा धैर्य है, जो बड़ा कर्मठ है, लगातार कर्म करते रहता है, इस प्रकार के रूप में उसकी कहानी को आपने सुना है। कछुआ का एक अच्छे चरित्र को आपने देखा है। इस कहानी में कछुए का चरित्र उल्टा है कि वो एक धैर्य न रखने वाला एक मूर्ख प्राणी के रूप में उसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो ये कहानी भी बड़ा रोचक है और इस कहानी को आप ध्यान से अंत तक सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। प्रारंभ में ही मैं संक्षेप में उस कहानी को आपको बता सकता हूँ। तो ये तीन मित्र थे, दो हंस और एक कछुआ, उसको कूर्म कहते हैं संस्कृत में। तो ये तीनों जब थे वहाँ पर, एक समय कुछ मछुआरे आके तालाब में, तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे कि भाई हम कल इस तालाब का पानी निकाल कर इसमें से हम मछली, कछुए, इनको पकड़ के लेंगे, मारेंगे। तब ये बात कछुए ने सुन लिया और बहुत उसका वो धैर्यहीन हो गया, वो घबरा गया। तो अपने मित्रों से सहायता के लिए उसने गुजारिश की, और मित्र उसके सहायता कैसे कर सकते हैं, क्या हंस, दो हंस मिलकर एक कछुए की जान बचा सकते हैं? तो उसने एक उपाय बताया कि ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग जैसे उड़ के जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, आप मुझे भी उड़ा ले जाइए। तो वो कछुए को कैसे उड़ा ले जाएं, कछुए का पंख थोड़ी कोई है। तो एक उन्होंने उपाय निकाला कि दो हंस जो है ना, एक डंडे को अपने चोंच से पकड़कर मजबूती से आकाश में उड़ेंगे और उस डंडे को कछुआ अपने जबड़े से, दांत से पकड़ कर रखेगा, फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने में उनको आसानी हो जाएगी। तो ये उपाय तो कछुए ने अपने मित्रों से शेयर किया, किंतु उनके मित्रों को मालूम था कि ये कछुआ जो है ना वो बड़ा चंचल है, तो गड़बड़ कर देगा, मुंह खोल देगा, उसको पूरी तरह से शुरू से आखिर तक मुंह को बंद करके पकड़ के डंडे को जाएगा नहीं। तो उन मित्रों ने उसको सतर्क कराया, चेतावनी दी कि देखो ये तो हो सकता है, जो आपने उपाय बताया हम ऐसे कर सकते हैं, किंतु
यदि बीच में आपने कभी मुंह खोला तो आपकी जान गई। और उनको पता था, क्योंकि जब आकाश में ये उड़ के जाएंगे तो ये एक बड़ा विचित्र दृश्य बनेगा, तो गांव वाले लोग उसको देखेंगे, कई प्रकार के बातें करेंगे, चिल्लाएंगे। ये सब के बावजूद भी कछुए को मुंह बंद करके रखना चाहिए। तो उन्होंने उसको चेतावनी देकर बोला कि ठीक है, हम कल सुबह ये काम कर लेंगे। तब क्या होता है, वैसे ही होता है, एक डंडे को लाकर वो कछुए को झुलाकर साथ में आकाश में उड़ जाते हैं। और तब गांव वाले उस दृश्य को देखते हैं तो बड़े उत्सुकता से, उत्साह से वो चिल्लाने लगते हैं कि अरे देखो देखो, कितना बड़ा आश्चर्य बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। फिर लोग बोलते हैं, आह काश ये कछुआ वहाँ से गिर जाए, फिर हम इसको पकड़ के खाएंगे। कोई कहता है, मैं इसको तालाब के किनारे यहीं पर जला के खाऊंगा। कोई कहता नहीं, मैं घर में जाके ले जाऊंगा और वहाँ पका के खाऊंगा। तो इन सब लोगों के बात सुनकर बड़े गुस्से में आ जाता है कछुआ, और गुस्से में आकर उन सबको एक प्रकार से डांटने लगता है, गाली देता है अपशब्द से। बोलते, तुम लोग राख खाओ, मुझे जला के खाओगे बोल रहे हो, तुम लोग राख खाओगे। तो इस प्रकार से जैसे ही गुस्से में बोलने के लिए उसने मुंह खोला, तब वो डंडे से छूट गया और नीचे गिर गया, और लोगों ने उसकी जान लेकर उसको खा लिए। तो इस प्रकार से एक संदेश मिलता है कि देखिए, जो आप लोगों के अच्छे मित्र होते हैं, वो आपको कुछ अच्छे उपदेश देते हैं जो आपके जीवन में काम आता है, जब उनकी बातों को आप अनसुना कर लेते हैं या आप धैर्य हराते हैं, तो आपकी जान जाती है, जैसे इस कछुए की जान गई। तो इस कहानी को हम संस्कृत में सुनेंगे, पढ़ेंगे और शब्दशः अर्थ भी समझेंगे। तो अभी तक की कहानी हो गई थी, वो कहानी है तीन मित्रों के, दो हंस हैं जिनका नाम है संकट और विकट, एक कछुआ है जिसका नाम है कंबू ग्रीव, और ये लोग रहते हैं सब फुल्लोत्पल नाम के तालाब में, और वो तालाब कहाँ पर है, मगध देश में। आगे क्या होता है, अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् वहाँ आ गए। कौन लोग आ गए, धीवराः। धीवर शब्द का अर्थ है मछुआरा, उसका बहुवचन है धीवराः। तो अथ एकदा, एक दिन एक समय, कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे आ गए। ते अकथयन, उन्होंने कहा, वयम श्वः मत्स्यकूर्मादीन मारयिष्यामः। तो कल हम, श्वः शब्द का अर्थ है कल, वयम हम लोग कल मत्स्यकूर्मादीन मारयिष्यामः। मत्स्य शब्द का अर्थ है मछली, कूर्म शब्द का अर्थ है कछुआ। तो मत्स्य और कूर्म, मछली और कछुए, इनको हम मारयिष्यामः, हम इनको मारेंगे। तो कैसे मारेंगे, तालाब से पानी सुखाएंगे, उनको पकड़ेंगे या जाल बिछा कर ले जाएंगे, तो मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर, श्रुत्वा शब्द का अर्थ है सुनकर, श्रु एक धातु है जिसका अर्थ है सुनना, और श्रुत्वा यानी सुनकर कूर्मः कछुआ अवदत्, कहता है, कहने लगा, मित्रे, हे मेरे मित्र, दोनों मित्रे, ये द्विवचन का रूप है, दो मित्र हैं उसके, एक का नाम संकट है, दूसरे का नाम विकट है। तो दोनों मित्रों को संबोधित करते हुए वो कहता है, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, किम यानी क्या, युवाभ्याम आप दोनों ने धीवराणाम वार्ता श्रुता,
धीवर मछुआरों के वार्ता को यानी उनके बातों को सुना श्रुता। अधुना किम अहम करोमि, तो अभी अधुना शब्द का अर्थ है अब, एक अव्यय है जिसका अर्थ है अब। तो अब किम अहम करोमि, मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस मिलकर बोले प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो सही होगा जो उचित होगा वही करना। जैसे कि कहीं छुपने के लिए प्रयत्न करना, वहां से निकल कर कहीं जा सकते हो तो चले जाना, या तो नसीब खराब है तो पकड़े जाना। तो यद उचितम तत् कर्तव्यम, ऐसा दोनों हंस ने उसको कहा। तो कूर्म कहता है कूर्मः अवदत् मैवम, मैवम शब्द का अर्थ है मा एवम, ऐसे दो शब्दों का संधि हुआ है मा एवम, अरे ऐसे मत करो ऐसे मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, कुछ ऐसा करो यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, मैं एक दूसरे हृदय में चले जाऊं, दूसरे बड़े तालाब में चले जाऊं। तथा कुरुतम, वैसा आप दोनों कुछ करो। हंसौ अवदताम, तो दोनों हंस कहे आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे या क्या करें। कूर्मः अवदत्, फिर कूर्म कहता है अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। कूर्म कहता है अहम, मैं युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, आकाश मार्ग से कहीं और चले जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, फिर दोनों हंस ने कहा अत्र कः उपायः, इसमें उपाय क्या है, मार्ग क्या है उसका। कच्छपः वदति युवाम काष्ठदण्डम एकम चंचुआ धारयताम, तो आप दोनों लकड़ी का एक डंडा, काष्ठ यानी लकड़ी, उसका दंड यानी एक डंडा, लकड़ी के एक डंडे को एकम चंचुआ धारयताम, दोनों अपने चंचू से यानी चोंच से पकड़े रखो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, तो मैं बीच में अहम काष्ठदंड मध्ये, तो उस लकड़ी के डंडे को बीच में पकड़कर अवलंब्य यानी उसका लकड़ी के डंडे के बीचों बीच झूलकर, अवलंब्य शब्द का अर्थ होगा झूलकर। युवयोः पक्षबलेन, तुम दोनों के पंख के बल पर सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक मैं जा सकूंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंस ने कहा अकथयताम, ये कथय कथ धातु है, इसका अर्थ है कहना, इससे पहले वही कहने के लिए दूसरा क्रियापद होता था वदति अवदताम, तो एक अलग अलग प्रकार से वाक्य बनते हैं अवदताम अकथयताम कथयति वदति वक्ति, ऐसे एक ही अर्थ में कई प्रकार के क्रियापद बन सकते हैं। तो हंसौ अकथयताम, संभवति एषः उपायः, हाँ ये उपाय संभव है, संभवति एषः उपायः, किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, किंतु यहाँ अत्र एकः अपायोपि वर्तते, अपायः अपि वर्तते, वर्तते यानी है, क्या है, यह उपाय संभव तो है किंतु यहाँ एक अपाय भी है,
बच्चों आपको उपाय शब्द तो पहले मालूम होगा, क्या आप लोगों को अपाय शब्द का भी अर्थ मालूम है? आपको बताते हैं, उपाय शब्द का अर्थ है जो मार्ग आपको लक्ष्य तक या उसके पास पहुंचाए, और अपाय शब्द का अर्थ क्या है, जो आपके लक्ष्य तक ना पहुंचाए, यानी बीच में कोई हानि कर दे, कोई नुकसान पहुंचाए, वह अपाय। उपाय शब्द का विलोम शब्द कह सकते हैं अपाय, जो आपका नुकसान कर दे। तो यहाँ एक उपाय के साथ साथ एक अपाय भी है, यानी एक प्रकार से संकट है। तो क्या है वो? आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। जब हम दोनों के द्वारा तुम लिए जाओगे, आवाभ्याम नियमानं त्वाम, तुमको अवलोक्य देखकर जनाः लोग किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ तो बोलेंगे लोग, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनके लिए एक जो दृश्य होगा एक बड़ा विचित्र दृश्य होगा। यदि त्वम उत्तरम दास्यसी, और ऐसे समय पर यदि तुमने उत्तर देने के लिए सोचा, उत्तरम दास्यसी, उत्तर दे दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मृत्यु मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, तुम जाओ मत, यहीं कहीं छुपने के लिए प्रयास करो। त्वम अत्रैव, यहीं पर ही रुको, रहो। वस शब्द का अर्थ है रहो। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, मित्रों के ऊपर गुस्सा कर लिया कूर्म ने, उस कछुए ने दोस्तों के ऊपर गुस्सा किया। क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, गुस्से में कछुए ने कहा। क्यों? तत् श्रुत्वा, वो जब ये बात सुना कि वो इसको ये सलाह दे रहे हैं कि तुम यहीं रुको, जाओ कहीं मत, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, तुम फिर जैसे ही बोलने लगोगे तो तुम्हारा मरण निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि यहाँ रुकोगे तो जिंदा रहने का कोई संभावना तो है, लेकिन अगर तुम आकाश में उड़ते हुए कुछ बोलने लग गए तो तुम्हारा मरण तो निश्चित है। तो ये बात सुनकर उसको गुस्सा आया, तो गुस्से में क्या बोलता है, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, कोई चाहे कितने भी बोले, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस तुम लोग मुझे यहाँ से ले चलो। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, मैं वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसे कर दो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन, तो इस प्रकार लकड़े के डंडे में लंबमान झूलता हुआ कूर्म यानी कछुए को पौराह अपश्यन, पौराह यानी नगरवासी, उन्होंने देख लिया। पश्चात अधावन अवदंच, और बाद में उसके पीछे भागे और ये भी बोले, क्या बोले, हम हो महद आश्चर्यम, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। तो कि अरे देखो, देखो संस्कृत में संबोधन आश्चर्य जब हम व्यक्त करते हैं तो किस प्रकार के शब्द बोलते हैं, हम हो, हम हिंदी में बोलते हैं ओहो या अरे देखो, इस प्रकार से हम बोलते हैं, तो वो संस्कृत में बोलते हैं हम हो महद आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य ही बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई उनमें से बोलता है, यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति
तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कहता कि अगर ये कछुआ किसी तरह से गिर जाए तो इसको यहीं पर ही मैं पका के खाऊंगा। अपरह अवदत्। अब दूसरे ने बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे, सरस शब्द का अर्थ है, जैसे पहले ही वाक्य में आया था, सराह, सरस इस शब्द का अर्थ है तालाब। तो सरस तीरे यानी तालाब के किनारे, तीर शब्द का अर्थ है किनारा। तो सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, उसको वहीं पर जलाकर मैं खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं घर ले जाकर उसको खाऊंगा। इति तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। तो उनका वह वचन सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों से दिया हुआ वचन, जो वादा किया था उसने, उसको भूल गया। विस्मृत्य, भूलकर सह अवदत्। अब वो बोलने लग गया। क्या बोला? यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओगे, राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः। जैसे ही उसने मुंह खोल के इतना बोला, उसी क्षण वो कछुआ दंड से निकलकर भूमौ पतितः, भूमि पर, जमीन पर गिर पड़ा। पौरैः सह मारितः, और पौरवासी यानी नगरवासी उसको मार भी दिए। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? एक सुंदर सा श्लोक है। सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम योनाभिनन्दति सकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। कह रहे हैं कि सुहृदाम यानी मित्रों के, हितकामानाम वह मित्र कैसे हैं जो हित की कामना करते हैं। सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति, अगर आपके अच्छा चाहने वाले मित्रों के वाक्य को जो न अभिनंदति यानी जो आदर नहीं करता है, जो अनसुना कर देता है, सह कूर्मः इव दुर्बुद्धिः, वो इस कछुए की तरह दुर्बुद्धि यानी बुरे बुद्धि वाला, काष्ठात भ्रष्टः विनश्यति, तो लकड़ी से गिरकर, वहाँ से छूटकर जमीन में गिर के नष्ट हो जाता है, मर जाता है। सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यूनाभिनन्दति सकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। तो यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा बच्चों? हम उम्मीद करते हैं बड़ा मज़ा आया होगा। और यह कहानी कहाँ से ली गई है? ये अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्रम, जो विष्णु शर्मा द्वारा विरचित है, वहाँ से ली गई है। हम आशा करते हैं यह कहानी आपको बड़ा रोचक लगा होगा, और इसी प्रकार आप संस्कृत में अनेकानक कहानी पढ़कर आप संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। संप्रति भवद्भिः श्रुतम् पाठ्यचर्याधारिता ध्वनिशाला, निर्माणम् सहयोगश्च मीनाक्षी कुकरेति, तनु गुप्ता च, ध्वन्यांकनम् शानु मुकसीमः, विकास सांगवानश्च, निर्माणम् विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।